वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जॉन्डिस तो चलिए देखते हैं जॉन्डिस क्या है जॉन्डिस इज डिफाइन एज येलोइ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन म्यूकस एंड स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलेरुबिन इन द ब्लड क्या होता है जब ब्लड में बिलेरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी स्किन uh, में म्यूकस में और स्क्लेरा में येलोइश पिगमेंटेशन देखने को मिलता है अब देखो स्क्लेरा में क्यों येलोइश पिगमेंटेशन देखने को मिलता है क्योंकि स्क्लेरा में इलास्टिक टिश्यू बहुत ज्यादा होती है और इलास्ट इलास्टिक टिश्यू की एफिनिटी होती है कि ये बिलोरिबिन के अट्रैक्ट बिलोरिबिन को अट्रैक्ट करे इस वजह से स्क्लेरा में येलोइश पिगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि जॉन्डिस इज डिफाइन एज येलोइश पिगमेंटेशन ऑन द स्किन म्यूकस एंड स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलुरु इन द ब्लड देखो नॉर्मल सीरम कितना होता है तो ये होता है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेकिन इन केस ऑफ जॉन्डिस ये 2 से 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ जाता है अब कुछ सीवियर डिजीज होती है इसमें यह लेवल थर्टी से फोर्टी मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी बढ़ जाता है अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ जॉन्डिस जॉन्डिस आखिर होता किस तरह से है जब एक्सेसिव एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोडक्शन हो जाए बिलेरूबिन का या फिर रिड्यूस हिपैटोसाइड अपटेक इंपेयर कॉन्ज्यूगेशन तो अगर इस तरह से कि एक्सेसिव एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोडक्शन हो जाता है बिलेरुबिन का या फिर हिपेटोसाइड का अपटेक कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में तो जो आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा वो आपको अनकॉन्जुगेटेड उसमें आपको जो हाइपर बिलेरुबीमिया देखने को मिलेगा वो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर देखने को मिलेगा लेकिन ऐसी कंडीशन जब डिक्रीज़ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मतलब नहीं हो रहा है या फिर बाइल फ्लो इम्पेयर्ड हो गया है तो इस कंडीशन में आपको कॉन्जुगेटेड हाइपर देखने को मिलेगा आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना कि ये एक्सेसिव एक्स्ट्रा हिपेटिक प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है या फिर हिपेटोसाइट जो सेल्स है उन, उनने अम, अपटेक को इंपेयर कर रखा है इस वजह से अनकॉन्जुकेटेड लेकिन यहां ऐसा है, सही है सब कुछ सही है बट एक्सक्रीशन सही से नहीं हो पा रहा है और बाइल फ्लो का उसमें हो गया इस वजह से इसमें आपको देखने को मिलता है बोथ बहुत एंड बिलेरुबिनटेड बिलेरुबिन में अक्यूमिलेट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन क्योंकि अब ज्यादा है तो ये कहा होंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अक्यूमिलेट होने लग जाएंगे दो मेन पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन द टू फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन तो सबसे पहले हम देखते हैं अनकोन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वॉटर में इनसोल्यूबल होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे एंड ये क्या करता है एंड इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन फॉर्मिंग टाइट कॉम्प्लेक्स विद सीरम एलब्यूमिन क्यों सीरम एलब्यूमिन के साथ टाइट कॉम्प्लेक्स बना लेता है और सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये वॉटर इनसोल्यूबल है तो ये ब्लड में भी या फिर प्लाज्मा में भी सोल्यूबल नहीं रहेगा ये एक्सक्रीट नहीं होता यूरिन से इवन वेन इट्स लेवल आर हाई इन टू ब्लड रीजन क्या है कि ये कैसा होता है वॉटर में इनसोल्यूबल होता है इस वजह से कुछ हीमोलाइटिक डिसीज होती है न्यूबॉर्न की उसमें क्या होता है एक्सेसिव अनकॉन्जुकेटेड बिलुरुबिन बनता है ये ब्लड ब्रेन बेरियर को क्रॉस कर जाता है ये ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां सीवियर न्यूरोलॉजिक डैमेज करता है जिसको हम कर्निक टेरेस कहते हैं तो यहाँ आपने देखा अनकॉन्जुगेटेड बिलेरुबिन के बारे में कि ये वाटर इन है ये एक्सक्रीट नहीं होता यूरिन से और कुछ हीमोलैटिक डिसीज जो होती है वो उसमें क्या होता है चिल्ड्रंस में ये कर्नेकटेस जैसा सिंड्रोम आप लोगों को देखने को मिलता है अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड बिले के बारे में तो जो कॉन्जुगेटेड बिलेरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल है ये नॉन टॉक्सिक होता है और ये लूजली बाउंड होता है एल्ब्यूमिन से इन द प्लाज्मा अब क्या होता है एक्सेस कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन इन प्लाज्मा कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो दोनों के बारे में आपने समझ लिया कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड में क्या डिफरेंस है उनकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों ने समझ ली आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा कॉन्जुकेशन अनकुकेशन का क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी जॉन्डिस पढ़ के आते हैं और वहां पे हम पढ़ चुके होते हैं इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिटेल से नहीं बताया और डायरेक्ट मैंने जॉन्डिस का पैथोलॉजी आप लोगों को स्टार्ट कर दी है अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस तो देखो बेस्ड ऑन अंडरलाइन कॉज और बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म तो दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन अंडर लाइंग कॉज इससे करें तो प्रीडोमिनेटली डोमिनेटली नॉमिनेंटली वाला एक जॉन्डिस और प्रीडोमिनेटली डोमिनेटली वाला एक जॉन्डिस और अगर हम पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे करें तो हिमोलाइटिकटोसेल्युलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो ये सभी जॉन्डिस को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज के अंदर अनकॉन्जुकेटेड और कॉन्जुकेटेड जो रीजन है वो वाला जॉन्डिस अभी हम कवर करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री डोमिनेंटली अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलेरुबिनिमिया इसमें क्या होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलेरुबिन बिलेरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ गया है और ऐसा देखने को मिलता है हीमोलाइटिक अनिमिया के केस में क्योंकि हिमोलिसिस के बाद आपको भी पता है हीम का लाइसिस होता है उसके बाद उसका आ, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनता है डिग्रेडेशन होने के बाद रीसॉप्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइनल हेमरेज जैसे कि जीआई ब्लीडिंग हो गया और हिमाटोमा ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको क्या अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरुबीमिया देखने को मिलता है और क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया तो हम उसे जॉन्डिस कहेंगे इफेक्ट इनइफेक्टिव इोपॉइसिस जैसे कि एनीमिया थैलेसीमिया ऐसी कंडीशन में भी आपको जॉन्डिस देखने को मिलता है जिसमें अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलेरुबिया आपको मिलेगा तो ये था इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन बिलिरुबिन के प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलेरुबिनिमिया अब हम देखते हैं रिड्यूस हिपेटिक अपटेक जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ये उसी चीज को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं हिपेटिक अपटेक रिड्यूज हो गया तो क्यों अपटेक रिड्यूस हुआ है क्योंकि कुछ ड्रग होते हैं विच इंटरफेयर विद कैरियर सिस्टम या कोई डिफ्यूज लिवर डिसीज हो गई जैसे हेपेटाइटिस सिरोसिस तो ऐसी कंडीशन में भी हिपैटिक अपटेक कम हो जाता है सम केसेस ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम ऐसी कंडीशन में भी हिपैटिक अपटेक कम हो जाता है और लास्ट है इम्पेयर बिलेरुबिन कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में ही प्रॉब्लम आ गई इस वजह से आपको अनकुगेटेड देखने को मिल रहा है हाइपर बिलेरुबिनिया तो ऐसा कब होता है फिजियोलॉजिकल इसमेंड हो जाता है -Naja इसमें आप लोगों को देखने को देखने मिलता है इम्पेयर्ड बिलेरुबिन कॉन्जुकेशन गिलबर्ट सिंड्रोम एंड डिफ्यूज लिवर डिसीज लाइक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस इस कंडीशन में भी आपके बिलेरुबिन का कॉन्जुकेशन इम्पेयर होता है तो अभी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था अंडरलाइंग कॉज के बेसिस पे जॉन्डिस को तो हमने देखा था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाइपर किस किस कंडीशन में हो सकती है तो अभी आपने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ गया है क्यों बढ़ता है इन सब कंडीशन में बढ़ता है प्रोडक्शन पैटिक अपटेक क्या हो गया है रिड्यूज हो गया है तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई और बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन इम्पेयर हो गया है तो बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन इम्पेयर्ड होता है इन सभी कंडीशन में तो इससे आपने पढ़ा कि किस तरह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरुबीनीमिया हुआ अब हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरुबीनीमिया मतलब कॉन्जुगेशन तो हो गया है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है बट हाइपर बिल्यूरुबिनिमिया है क्यों डिक्रीज हिपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है डिफिशियंसी ऑफ कैनैलिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डिफिशियंसी हो गई है कैनेलिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स की और लिवर डैमेज और टॉक्सिसिटी लाइक हेपेटाइटिस में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा और क्या हो गया है इम्पेयर्ड इंट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो अभी पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले कि बाइल फ्लो में इंपेयर्ड हो जाए तो इसमें क्या होता है कब होता है ऐसा इंफ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में गॉल स्टोन हो जाते हैं या फिर कार्सिनोम ऑफ पेनक्रियास ऐसी कंडीशन में इंपेयर्ड इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल फ्लो आपको देखने को मिलता है तो ये दो रीजन होते हैं जिसमें आपका कॉन्जुगेटेड हाइपर बिले आपको देखने को मिलता है तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड हाइपर बिले और ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है वो पढ़ा अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म तो इसमें आपको पढ़ना होगा हीमोलाइटिक जॉन्डिस हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विच इज अ पार्ट टू ऑफ जॉन्डिस